देश में चुनावी माहौल के बीच जहां नेताओं को अभिनेताओं और बॉलीवुड का भी पूरा साथ मिल रहा है, तो गीतकार जावेद अख्तर भी इस बार पूरी तरह से चुनावी रंग में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा से लेकर बुरके तक के मामले पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। चुनाव में कैंपेन करने जाते नहीं थे, इस बार क्या हो गया कैंपेन में जा रहे हैं? नहीं, इस बार जरा कुछ सब कुछ ही ऐसा है कि मुझे लगता है ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, बल्कि इसमें एक फैसला, एक निर्णय होना है कि अगले वर्षों में ये देश किस दिशा में जाएगा। तो ये बहुत मामूली इलेक्शन से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो भी जागृत नागरिक है, हम तो किसी पार्टी के मेम्बर नहीं हैं, लेकिन ये कि अलग अलग स्टेज पर जा सकते हैं, हमको तो फ्रीडम है। सर, आप बेगूसराय भी गए और अब भोपाल भी आए। या बेगूसराय तो देखिए CPI था, यहाँ तो कांग्रेस है। अब हो सकता है UP जाऊँ, SP BSP, उसके स्टेज पे भी चला जाऊँगा। सर, यहाँ पे भोपाल में दिग्विजय सिंह कैंडिडेट हैं और उनके खिलाफ जो हैं प्रज्ञा ठाकुर कैंडिडेट हैं, और प्रज्ञा ठाकुर जो हैं वो हेमंत करकरे उनकी कर्ज की वजह से मरे, इस तरह के बयान दिए हैं। ये तो अच्छा है, अगर ऐसी शक्ति उनके पास है तो हमें ये सब हाफिज सईद वगैरह के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए ना। अब यहाँ लोकल काहे को वेस्ट कर रही हैं ऐसी पावर को? वो जो सारे के सारे बड़े बड़े टेररिस्ट बैठे हुए हैं कैंप्स में पाकिस्तान के, मुझे लगता है कि प्रज्ञा जी को उधर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।